जिनकी ऑन ग्राउंड कोई मुहिम नहीं, वो पैसे लगाकर वोट खरीदना चाहते हैं। बिलावल ने जिद में लाहौर का इंतखाब कर लिया, मगर वोट बैंक नहीं है। लोगों से कहा जा रहा था शनाख्ती कार्ड जमा कराएं, पीपल्स पार्टी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। इन्होंने 50 से 60 हज़ार वोट खरीदने का प्लान किया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्ज़ाम, कहते हैं बिलावल लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं, ये पंजाब में एंट्री चाहते हैं, इसके लिए वोट खरीद रहे हैं। हमने एक दरख्वास्त दी है जो पीर के लिए मुकर्रर हुई है। मैं आपको यहाँ पे बदमाशी नहीं करने दूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ना मैं आपको यहाँ पे मनमानी करने दूंगा, ना जिदबाजी करने दूंगा। आप अपने बाप के बहुत लाडले होंगे, हम अपने कारकुनों के लाडले हैं। हमने लोगों के पास जाना है। आपकी तरह मलिक रियाज के जहाज पे बैठ के कराची नहीं चले जाना। आपकी तो महल की दीवार 100 फुट ऊंची है, कौन जाएगा, कहाँ से आपको ढूंढ के लाएगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो ये कर रहे हैं खरीदो फरोख का सिलसिला। मैं कुछ फुटेज भी आपसे शेयर करूंगा और वो फुटेज आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह खरीदो फरोख बेदर्दी के साथ की जा रही है। जिन लोगों ने वोट बेचे हैं उनको भी शनाख्त कर लिया है। ये वोट जो है ये कास्ट नहीं हो सकता। जब आपने मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा के अपना वोट बेच दिया, उन लोगों के आईडी कार्ड हमने आईपैड में से निकाल लिए, वो वोट कतन कास्ट नहीं हो सकता।